you. Thank you. चलो उधर उधर ही खड़ा कर आप सेंटर लोग सेंटर लुक सेंटर रवि पाटी ने मागे ना मागे ना ए रिकॉर्ड बोले रिकॉर्ड से पटन को साइड में अश्विनी सेंटर लो एक मिनट मैम अश्विनी मालिक
मैडम ये बाइक लेना है ओके सर सबसे पहले ये क्या आज हमारी सोसाइटी इंटीरियर्स क्या कहना चाहेंगे इस बारे हमेशा बहुत खुशी होती है जब मैं सोसाइटी इंटीरियर अवार्ड्स के लिए आता हूँ क्योंकि 28 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में एंड मैग्ना पब्लिकेशंस और इन सब लोगों के साथ तो अभी जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से इनके साथ रिलेशनशिप बनी हुई है सोसाइटी इंटीरियर्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं जो अपने फील्ड्स में बहुत ही माहिर हैं उन्होंने नाम कमाया है अपकमिंग टैलेंट को भी प्रोत्साहित करते हैं एंड जब भी मैं इनके इस अवार्ड फंक्शन में आता हूँ तो इन द बूमिंग आर्किटेक्चुरल एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में जो नए नए कंपनीज आ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ तो सोसाइटी इंटीरियर्स इनको एक्नॉलेज करते हैं एंड हम लोग भी अवेयर होते हैं कि आजकल आप अपने घर में क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से और ख़ूबसूरत कर सकते हैं
आई थिंक क्योंकि एटलीस्ट मुंबई जैसे शहर में या कहीं पे भी आप जब घर बनाते हैं तो वो एक जगह होती है जहाँ पे आप जाते हो, मानसिक तरीके से आप अपने आप को सुखी करते हो या रिलैक्स करते हो, चिल करते हो, तो सबसे पहले आप अपनी अचीवमेंट को ये सोचते हो कि आपका घर क्या है। तो व्हेन यू लुक अराउंड द हाउस, तो कंफर्ट लेवल क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, वो वहाँ से शुरू होती है। सो आई थिंक जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या जो कंपनीज हैं, वो एक कस्टमर या क्लाइंट की विचारधारा को समझते हुए वो घर वैसे सजाते हैं, घर एक मंदिर को बनाते हैं, घर एक ऐसे तरीके से बनाते हैं वेयर पीपल कैन बी वेरी प्राउड ऑफ देयर होम्स। एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन शोज द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट टू लर्न अ लॉट व्हाट इज गोइंग ऑन आउट देयर। राहुल जी, क्योंकि आपने हर कोई अपने घर को जो है इंटीरियर डिज़ाइन के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से सजाना चाहता है, हम आपको तो हम देख रहे हैं ज़माने से, आपके आशिकी से हमने देखा है, कई सारे लोगों के घर में आपने, वो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके घर का डिज़ाइन आपको बहुत ही पसंद आया है, आपने ऊपर बोला हो कि यार आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है? मैं काफ़ी घरों में गया हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कहना तो नहीं जाऊँगा कि किसी के घर पे, लेकिन रिसेंटली एक दोस्त है मेरे, दिल्ली में है, और उनके फार्म हाउस में गया था मैं, और टेस्टफुली जिस तरीके से उन्होंने अपना 27,000 स्क्वायर फुट घर उन्होंने किया था, जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में किया था, और आर्ट पेंटिंग जो उन्होंने लगाए थे जिस तरीके से किया था, बड़ा यूरोपियन स्टाइल था। आई लव दैट स्टाइल, मुझे कंटेम्प्रेरी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है एंड मिनिमलिस्टिक लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम हर पीस जो है बहुत टेस्टफुली दिया था, स्पेस है एट द सेम टाइम कंफर्ट है। कई घर हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन डर लगता है वहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी कीमती लगती है, इतना एक म्यूजियम जैसा लगता है, तो वहाँ बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई लाइक, आई एम मोर अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल पर्सन, जहाँ पे कलर्स जो हैं म्यूटेड हैं एंड ज़्यादा वाइट कलर्स हैं, थिंग्स लाइक दैट, आई प्रेफर दैट। तो मेरे दोस्त का घर जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। राहुल जी, आपका काफ़ी डिफरेंट लुक भी है, मतलब कोई ऐसी फिल्मों का लुक है या आप? जी, अभी फ़िलहाल 6 फिल्में हैं फ्लोर पे, तो आई एम बैक इन टू डूइंग फिल्म्स, एंड ये थोड़ा सा जो वियर्ड हेयर स्टाइल जो है, दैट इज़ फॉर अ फिल्म जहाँ पे एक आर्मी स्नाइपर का रोल है, बट आई एम ग्रोइंग माई हेयर बैक, क्योंकि वो हेयर स्टाइल जो है वही मैं बस कम्फर्टेबल हूँ, बट ये एक फिल्म है जिसमें मैं एक इंडियन आर्मी स्नाइपर का रोल है, तो क्योंकि उसके लिए मेरे को अपना हेयर थोड़ा सा छोटा काटना तो पड़ा ही था, बट ऊपर वाले की दया से मेरे पेरेंट्स के जीन्स बहुत अच्छे हैं मेरे अंदर, तो माय हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, तो होपफुली इन अदर 5-6 मंथ्स बाल बढ़ जाएंगे, तो आई विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का,
महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।